बहुत अच्छी बात है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है। एमपी पुलिस में अपना 12 अगस्त से चालू हो जाएंगे पेपर। पेपर के तुरंत बाद से क्या पता कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगा, इसका मेन कारण ये चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले पहले आपका फिजिकल होना है, समझ रहे? चुनाव नवम्बर में, चुनाव इलेक्शन नवम्बर दिसंबर में चुनाव, उससे पहले आपका फिजिकल होना है। फिजिकल में यह 40 नंबर की रनिंग है। लड़कों का तो इतना हाई कर दिया है, 2 मिनट 4 सेकंड में लेके जाना है। अगर हाईएस्ट नंबर लेनी है तो 40 2-4 और 2-6 सेकंड में लेके आने हैं। नंबर 40 नंबर लेनी है, और एक एक 40 नंबर है गर्ल्स के लिए, एक से लेके 40 नंबर तक अगर रनिंग है पूरा, एक एक सेकंड का नंबर है आपका। फिजिकल आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बोलेगा भैया आपको पता है चार्जर होता है, पर नहीं पता चार्जर में कितना वजन होता है पता है? उठा के दो ये गोला है, इतना चोटू आ गया, हाँ जी अपना चोटू आ गया। पर लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप भी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? सारा फिजिकल है ना, वो आर्मी के फिजिकल को भी पीछे छोड़ दिया है, आर्मी का फिजिकल भी पीछे छोड़ दिया है। आपकी बार एमपी पुलिस में ऐसा फिजिकल दिया है कि अगर आप टेस्ट में अगर 60 नंबर ले आएंगे तो फिजिकल के लिए आप जा सकते हो। अगर पेपर में तुम तो तैयारी सब तो करा रहे हैं, अच्छी तैयारी दौरान करना चाहिए। मैं भी कोई बाहर से पूछता है, लड़के बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो मैं उनसे बोल देता हूँ हमारे यहाँ पर अच्छी कोचिंग चल रही है। और कोचिंग देखो अभी फिलहाल में फिजिकल के मामले में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत जाना। मैंने इनका फिजिकल कराने का तरीका देखा है, इनका है और इनके साथ में साथ लिए और पुलिस ऑफिसर वही है, तो इनका जो फिजिकल कराने का तरीका है वही से। आप जो इंदौर में लोग करके आते हैं, इंदौर में ग्वालियर में भोपाल में करके आते हैं, उनकी तरह की तैयारी करना चाहिए और मेहनत भी कराते हैं। आपको फिजिकल के लिए बाहर नहीं जाना है। उधर एकेडमी में क्या होता है, उधर एक बिजनेस बना लिया, बिजनेस कैसे बना लिया आप कैसे, आप गए उधर ऑफिस में बैठे, आपको चार्ज बता देंगे, 4,000 रुपये इसका है, 6,000 उसका, 10,000 होना है, आप जमा करा, आपने जमा करा दी, बेशक आपको रनिंग आए या आपका मन लगे या कुछ भी नहीं, फीस वापस नहीं, ठीक है? उधर क्या है, अच्छी लड़के दौड़ रहे हैं, अच्छी टाइमिंग दे रहे हैं, उनका डायरेक्टर क्या है फोकस ज़्यादा देता है, आप पीछे रह रहे हो, और आपकी किसी भैया से सांस फूल रही है या टापी पानी की टापी बढ़ रही है, अगर आप दोस्त में आप कमजोर रहते हो तो उधर इतना नहीं बताया जाता है, आपको फोकस नहीं किया जाता है। इधर मेरे को एक एक लड़के का पता है इसकी क्या कमजोरी है, गर्ल्स का पता है, गर्ल्स भी आ रही हैं, 6-7 लड़कियाँ भी आ रही हैं, पहले तो 12-14-15 लड़कियों पर पेपर की तैयारी में लगी हैं, वो कुछ आ रही हैं अभी, तो लड़कियाँ भी हैं उनकी भी पता है। गीता 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 को आप जानती हो, लड़की है गर्ल्स है, गीता मिश्रा है, उसका असर दिल्ली पुलिस का फिजिकल था, उसने एम पी पुलिस के फिजिकल में फेल हो चुकी थी, एम पी पुलिस का फिजिकल मार दी थी, तो उसके अच्छे नंबर थे, तो आज वो ज्वाइनिंग ले ली थी। उधर क्या था, वो रनिंग करती हूँ उधर पीछे आती लड़ती हूँ, तो इस तरह ना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और आप उधर एकेडमी में जाओगे आपको घर जैसे, आप घर जैसे रहते हो ना, घर घर जैसा बिल्कुल वातावरण मिलेगा, कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ मम्मी को लेके आप पापा को लेके आओ, तब दिखाओ माहौल को कि सर ये मेरा यूट्यूब चैनल को दिखाओ कि लड़कियाँ उधर कैसी तैयारी कर रही हैं, घर से बाहर निकलोगे तो बाहर पता है मेरे पास लाइब्रेरी बनारस लड़कियों का कॉल आ रहा है, बोल रही हैं कि सर हॉस्टल की सुविधा हो गई तो हम आ जाए, वो बेटा भी हॉस्टल की सुविधा नहीं हो पाई है वो लड़कियों के लिए, तो जब वहाँ पर मैं रहूँगा तो मैं जो गरीब हो रहा हूँ, ठीक है? तो उधर से वो अपने दौरा में क्या है, थोड़ा बाहर घिझा आज निकलने में घिझा, इसको छोड़ो, देखो इतना इतना हो जाओ कि हमें आगे निकलना, अगर आप खुद आगे निकलोगे तो आपके घर वाले साथ देंगे, आपके सब साथ देंगे, और आप खुद में ही अगर हिम्मत नहीं रहेगी इस बात के लिए कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो अरे कोई दिक्कत नहीं, जब आप कौन सही है ना, दुनिया सही है, और अपने फोकस करो। देखो आज नौकरी लग जाती है ना,
आपकी जिंदगी नहीं सुधरती है। आप ये सोचो कि मेरी जिंदगी सुधरेगी, मेरी नौकरी, आपकी नौकरी नहीं लगती, आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी नौकरी लगती है, जॉब आपके घर वालों की लगती है। अगर किसी लड़की का लगती है जॉब, तो देखो पहली बात तो लड़का सही हो जाएगा, मम्मी पापा का बहुत होगा, उसके बाद में रिलेशन होगा तो उधर भी अपना अच्छा खासा घर मिलेगा, अच्छा खासा वातावरण मिलेगा, सब कुछ फैमिली लेके बड़ी मिलेगी। वो इतना दहेज वगैरह चल रहा है, वो पिता तो बंद हो नहीं पा रही बिल्कुल भी, उधर भी अपन को सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। लड़के हैं तो तैयारी कर रहे हैं, इधर कोई ऐसे पैसे वाले हैं तो तैयारी कर रहा है, जिसकी इनकम कम से कम 10,000 रुपये पर डे की हो, इधर है ऐसा तैयारी, कोई तैयारी कर रहा है, कोई डेयरी, कोई दूध बेच रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसी है सही, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब लगती है तो आपके मम्मी पापा को भी बहुत गर्व होता है कि हाँ मेरी बेटी की जॉब लगी है। आप नौकरी करोगे, आप इधर आपके पापा मम्मी उसका फुल सहयोग रहेगा और इधर अच्छा हो रहेगा, तो आप मन से तैयारी करो। सर बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं और आपको ये कितने दिन है सर, 40 दिन में जीजा लगा दो। अगर ग्राउंड आप आ सक रहे हो, अगर ग्राउंड के लिए आप एक घंटे के लिए आ जाओ, मैं आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ज़्यादा परेशान कब करूँगा, 12 अगस्त के बाद, जैसा आपका पेपर होता जाए। पेपर में नंबर को मत देखना, मेरी लिस्ट किससे बनेगी, आप फिजिकल से। अरे सर टाइम क्या करने के अंदर, टाइमिंग 5 बजे से बहुत प्रयास करें बच्चों को जो है, अब 6:30 तो फिर मैं कर दूंगा। अगर 5 बजे जो लड़का पहुँच जाएगा ना, उसे मैं 6:30 कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 8 बजे का जो पेपर पास हुआ है। हाँ और इनका भी हाथ चलेगा, इनकी भी पूरी स्कूल नहीं चलेगी। जब मैं 16:30 और मैंने उनको 5 बजे का टाइम दिया, 5 बजे आता है, 5 बजे चालू, 6:30 का काम हो रहा है, तो चलता रहेगा, अगर आप ज्वाइन कर लोगे अभी एकेडमी में से ज्वाइन पहुंच जाओ तो आपके भी फुल चांस है। जितना आप फिजिकल मारोगे जितना, एक एक सेकंड का नंबर है उधर, है कि नहीं है, देखा है नोटिफिकेशन, एक एक सेकंड का, आपकी रनिंग का भी एक एक सेकंड का नंबर है। तो फिजिकल सबके पास अच्छी तैयारी करो, और अगर हो सके तब तक आप गोला फेंकने की, हाँ आप सुन लो, घर पे बैठे रहते हो ना, तो कुछ ऐसे टोरा वगैरह या पत्रा वगैरह लिखो, सुनो मेरे फ्री जगह में, फ्री जगह में उसे फेंकने का ट्राई करो। हाँ जब तक घर पे, तो घर पे ही फेंकते रहो, थोड़ा दौड़ते रहो घर पे थोड़ा बहुत, और अगर टाइम मिले सभी जोरा से बात करो, कभी जोरा से कौन जोरा से आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, जोरा से एमपी पुलिस की तरफ। अच्छा तो जो जोरा से आते हैं ना वो आ जाए, और नहीं आ पा रहे हो ना, अगर आप पेपर में पूरा कॉपी दे रहे हो तो घर पे भी ले लो, बोले को फेंको और जंप मारने की कोशिश करो, एक प्रैक्टिस चलनी चाहिए बिल्कुल। मुझे आपको आगे लेके जाना है, समझ रहे हो ना, जोरा में क्या है, मैं जोरा से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि लड़कियाँ आगे नहीं आ पा रही हैं। जिस दिन लड़कियां आने आ गई द्वारा बता नहीं सही बात, मैं इधर भी मैं यहां आती है बढ़िया देखो तो सर मेरा कोशिश छोटी हो ना धीरे एक लड़की चालू हुई 15 लड़की बहुत अच्छी तैयारी और मैं लगे बात कर रहा हूं गीता जो भी पुलिस में कर रही है उसके बाद में वो दिल्ली पुलिस का पीछा उसमें हाई जंप लॉन्ग जंप रनिंग